हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर एक्ट टू सीन 9 शुरू कर दिया था, और सीन 9 में भी हम प्रिंस ऑफ एरेगॉन पोर्शिया के घर उनका हाथ मांगने आए हैं। अब वो अपना लॉटरी का चयन कर रहे हैं, ही हैज़ टू चूज द कैस्केट। और उसको चूज करते समय वो अपने आप से बात कर रहे हैं, एक एक इंस्क्रिप्शन वो ध्यान से पढ़ रहे हैं। वी आर रफली एट लाइन अबाउट 40 और सो। हमने ये कर लिया था, लेट नन प्रिज्यूम टू वेयर एन अनडिजर्व डिग्निटी एट्सेट्रा। इसके आगे हमने यहाँ पे छोड़ा है, दैट इज़ इफ ओनली एस्टेट्स डिग्रीज एंड ऑफिसेज वर नॉट डिराइव करप्टली। उनका कहने का मतलब ये है कि काश लोग, आई विश, पोजिशंस, प्रॉपर्टी, वेल्थ, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लोग गलत तरीके से अगर नहीं प्राप्त करते, एंड काश ये चीज़ें लोगों को उनके गुणों के आधार पर मिलती, व परचेज्ड बाय द मेरिट ऑफ द वेयरर, काश ऐसा होता। हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, दैट इज दोज हु आर, हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर। कहने का मतलब है If people got according to what they deserved, यानी कि अगर हर व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता जिसके लिए वो लायक है, तो how many men should cover that stand bare, means people who are naked, those who are naked, naked यानी कि जिसके तन पर वस्त्र या कपड़े नहीं हैं, उनके पास कपड़े होते, should be covered. How many be commanded that command? And those who are at present in the position to rule, वो लोग जो दूसरों पर राज कर रहे हैं, स्थिति उल्टी होती, उन पर कोई और राज कर रहा होता जो उसका असल हकदार है, how much low peasantry would then be gleaned from the true seed of honor? Peasantry का मतलब है produce या result, would then be gleaned, ग्लीन यानी कि कलेक्टेड, इकट्ठा करना, फ्रॉम दिस ट्रू सीड ऑफ ऑनर, यानी कि ये जो है, इन कहने का मतलब है, इफ़ इट वर सो मोस्ट ऑफ द ऑनर गिवन टू मेन इज अनडिजर्विंग। ज़्यादातर वो लोग जिनको सम्मान दिया जाता है वो उस सम्मान के हकदार नहीं होते। एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द चैफ एंड रुइन ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू पॉनिश्ड, मतलब हाउ मच ऑनर वुड बी पिक्ड दैट इज हाउ टोटली डिफरेंट यू आर टू पोर्शिया, how much unlike my hopes and my deservings, in other words this doesn't look very much like what I deserve, I'm sure I don't deserve the face of a clown, ek joker ka chehra to mujhe nahi milna chahiye, aur us pe likha hai who chooseth me shall give as much as he deserves, ye likha hai us par. Did I deserve no more than a fool's head? कि क्या मुझे fool's head यानी कि face, क्या मुझे एक joker ही मिलना चाहिए? Is that my prize? Don't I deserve more than a clown's face? Are my deserts no better? Is my deserving no better than that? So Portia says,
टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसर्स. ऑफेंड मीन्स इंसल्ट एंड जज आर डिफरेंट थिंग्स एंड अपोज्ड नेचर्स एंड ऑफ ऑपोजिट नेचर्स. इसका मतलब क्या है? क्रिटिसाइजिंग वाइल बींग जज्ड आर टू डिस्टिंक्ट मैटर्स दैट वर्क अगेंस्ट ईच अदर. जब आपका जजमेंट हो रहा है, जब आपको जज किया जा रहा है, उस समय आलोचना करना बहुत अलग बात है. द ऑफेंडर शुड नॉट जज हिज ओन केस. और जिसने गलत किया है उसको अपने ही केस को जज नहीं करना चाहिए. एरेगॉन, व्हाट इज हियर? अब वो चिट्ठी पर जो का अंदर से कागज मिला है वो पढ़ता है. वो कहता है, द फायर सेवन टाइम्स ट्राइड दिस, सेवन टाइम्स ट्राइड दैट जजमेंट इज. द जजमेंट इज मीन्स द जजमेंट दैट नेवर चूज रॉन्ग इज ट्राइड सेवन टाइम्स. दैट डिड नेवर चूज अमिस. अमिस मीन्स रॉन्ग. यानी कि जिस जजमेंट को सात बार रीड और री रीड और री राइट करके सुधारा गया हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता. जजमेंट का मतलब है न्याय. जब किसी कोर्ट में केस आता है और न्यायाधीश न्याय सुनाते हैं, तो न्याय को लिखते समय वो सात बार उसको उसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तब जाकर वो जजमेंट लिखते हैं. और वो कभी गलत नहीं हो सकता. इट कैन नेवर बी रॉन्ग. सम देयर बी दैट शैडोज किस. कुछ लोग हैं जो कि देर आर पीपल हु ओनली, दैट इज हैप्पीनेस इज ओनली टेम्प्ररी. देर आर सम मेन दैट किस शैडोज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड शैडो. शैडो का मतलब होता है परछाई. परछाई वास्तविकता नहीं होती. वास्तविकता वो शरीर या वो वस्तु या वो चीज़ या वो जानवर होता है जिसकी वो परछाई होती है. सो सम मेन हु किस शैडोज, मेन लाइक दिस हैव ओनली अ शैडोज ब्लिस. मीन्स दे ब्लिस का मतलब है हैप्पीनेस. Their happiness is only temporary. यानी कि उनकी खुशी भी उतनी ही वैसी होती जैसे कि उस शैडो की तरह जिसको उन्होंने किस किया है. There be fools alive. There are fools alive. I know. I wish means certainly. I know for sure. Silvered over. That are silvered over. यानी कि fools जिनके चेहरे पर सिल्वर पेंट कर दिया गया है. एंड सो वॉज दिस. दिस यानी कि ये सिल्वर चेस्ट, ये जो डब्बा था इसके ऊपर भी एक आर्टिफिशियल अट्रैक्शन था. एंड सो वॉज दिस. टेक व्हाट वाइफ यू विल टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड. यानी कि आप चाहे किसी से भी शादी कर लें, I will always be your head. Means take whatever wife you want to bed, I will be your head forever. यानी कि तुम मूर्ख ही रहोगे. You will always be a fool. So be gone. You are sped. You are sped means you are finished. You are out of luck. Your life is over. Still no more fool I shall appear. By the time I linger here. Means, if I shall appear to be more foolish if I stay here any longer. The longer I stay here, the more foolish I will look. मैं यहाँ जितनी देर ठहरूँगा उतना ही मैं मजाक का पात्र बनूँगा. With one fool's head I came to woo. Woo means to win Portia's love. फूल्स हेड का मतलब है होपफुली. मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आया था. बट आई गो अवे विथ टू. लेकिन मैं दो मूर्ख के चेहरे लेकर जा रहा हूँ, एक खुद का और एक ये जो इस बॉक्स में मुझे मिला है. स्वीट अड्यू, गुड बाय. आई विल कीप माई ओथ पेशेंटली टू बेयर माई रॉथ.
रॉथ का मतलब है सॉरो, कि मैंने जो वादा किया है वो मैं निभाऊंगा, मैं किसी, एक तो यहाँ से इमिजिएटली जा रहा हूँ, दूसरी बात ये कि मैं किसी और महिला से कभी भी प्यार का इजहार नहीं करूँगा, आई विल नॉट शो माई लव फॉर एनी वुमन, लेडी और एनी वुमन, एंड थर्डली आई विल नॉट टेल यू एनी वन वॉट आई हैव चोजन, वॉट वॉज माई चॉइस. सो पोर्शिया सेज एग्जिट विथ हिज ट्रेन, वो निकल जाते हैं पोर्शिया. दस हैथ द कैंडल सिंज्ड द मॉथ, सिंज्ड का मतलब है बर्न्ड, एंड मॉथ का बेसिक मतलब होता है इंसेक्ट या कीड़ा. यहाँ पर कौन है कीड़ा? प्रिंस ऑफ एरागॉन. इन दिस वे द कैंडल हैज बर्न्ड द मॉथ. ओ दीज डेलिब्रेट फूल्स, ओ दीज सिली फूल्स, व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम बाय द विट टू लूज, दैट इज व्हेन दे मेक द चॉइस दे लैक इंटेलिजेंस एंड दे फेल, दे डू नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू चूज करेक्टली एंड सो दे फेल. ये मूर्ख लोग, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो सही तरीके से अपने अपना चयन कर सकें, और नतीजा ये होता है कि वो हार जाते हैं. सो गोल्डन कैस्केट में क्या है, हमने देख लिया था जब प्रिंस ऑफ मोरक्को ने अपनी चॉइस की थी. सिल्वर कैस्केट में क्या है, हमने देख लिया जब अभी प्रिंस ऑफ एरागॉन ने ये चॉइस की है. अब देखते हैं लेड कैस्केट बचा है, उसमें क्या है और कौन उसको पाता है. नेरिसा, द एंशंट सेइंग इज नो हेरिसे, हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, यानी कि दिस इज, देर इज एन एंशंट सेइंग, एक पुरानी कहावत है जो गलत नहीं है. हैंगिंग एंड वाइविंग, हैंगिंग यानी कि डाइंग बाय हैंगिंग, अगर किसी को फांसी देकर मार दिया जाए, एंड वाइविंग यानी कि जब गेटिंग अ वाइफ, ये जो दोनों बातें हैं ये फेट या लक से ही मिलती हैं. आपके लक में, आपकी किस्मत में क्या है उसी के अनुसार आपको मिलेंगी. पोर्शिया, कम ड्रॉ द कर्टन नेरिसा, कर्टन खींचो, बंद करें इस जगह को. इतने में स्टिफानो, एक नौकर वहाँ पे आते है, मैसेंजर आता है. वेयर इज़ माई लेडी? हियर. वॉट वुड माई लॉर्ड? वॉट इज़ इट सर? मैं यहाँ हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो नौकर कहता है, मैडम देयर इज़ अलाइटेड एट योर गेट अ यंग वेनिशियन. अलाइटेड मीन्स अराइव्ड. At your gate, a young Venetian. Venetian means a young man from Venice. हो सकता है वेनिस शहर के लोग पर्टिकुलर किस्म के कपड़े पहनते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले ने, जो भी कोई आया है वहाँ पर पोर्शिया के दरवाज़े पर, उसने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं वेनिस से आया हूँ. जो भी बात है, एक यंग वेनिशियन आया है. One that comes before to signify the approaching of his lord. और ये आने वाला, he has just arrived. He comes ahead of his lord to tell us that he is coming. That is, ye young Venetian, he has come as a messenger to inform the approaching of his lord. Means the coming or the arrival of his lord. वो अपने मालिक के आने की सूचना लेकर आया है. From whom he bringeth sensible regrets. From his master he brings sensible regrets. Regrets यानी कि greetings. वो कुछ greetings लेकर आया है. To wit, that is, besides comments, compliments and courteous breath, gifts of rich value. यानी कि वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आया है. ऑफ कोर्स सम्मान में शब्द तो बोल ही रहा है, साथ ही साथ वो बहुत सारी रिच गिफ्ट्स भी लेकर आया है. येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव. एम्बेसडर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव. येट आई हैव नॉट सीन सच अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव. अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट
टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉट वॉज एट हैंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैसेंजर है इसका जो हाव भाव, जो बात करने का तरीका है, बहुत ही इम्प्रेस करने लायक है, यानी कि बहुत ही प्रभावशील है। और अगर नौकर ऐसा है तो मालिक कैसा होगा, हम सोच सकते हैं। जिस तरीके से अप्रैल का जो महीना है, उस इंग्लैंड में बर्फ़ और बारिश बहुत होती है, सो अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने हैं ये बहुत वेलकम माने जाते हैं, क्योंकि इस समय बसंत ऋतु होती है वहाँ पर, साथ ही गर्मी का मौसम भी होता है, बारिश थोड़े दिनों के लिए कम हो जाती है, रुकती तो नहीं है, कम हो जाती है। सो जिस तरीके से अप्रैल के महीने का मौसम सुहावना मौसम मई के महीने का आगाज़ करता है, उसी तरीके से ये जो है, एज दिस फोर्सपरर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड, फोर्सपरर मीन्स एडवांस मैसेंजर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड। तो पोषा कहती है, नो मोर आई प्रे दी, बस और कुछ मत कहो, आई एम हाफ ऑफ यर, दाउ विल्ट से एनॉन दैट ही इज सम किन टू दी। तुम इस आने वाले की इतनी प्रशंसा कर रहे हो कि मुझे डर है कि तुम कहोगे, यू विल नाउ से दैट ही इज़ रिलेटेड टू यू। यू आर प्रेजिंग दिस मैसेंजर सो मच, PRAISING, प्रेजिंग दिस मैसेंजर सो मच दैट मुझे लग रहा है आई एम अफ्रेड यू विल से दैट ही इज़ रिलेटेड टू यू। दाउ स्पेंडेस्ट सच अ हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, इतने सारे शब्द तुमने उसकी प्रशंसा में कह दिए। कम कम नेरिसा, फॉर आई लॉन्ग टू सी क्विक क्यूपिड्स पोस्ट दैट कम सो मैनली। आई लॉन्ग टू सी मीन्स आई एम ईगर टू सी, टू लुक एट दिस मैसेंजर फ्रॉम क्यूपिड। एंड क्यूपिड मैंने शायद पहले भी बताया हो, लिख लीजिएगा आप, ही इज़ द ग्रीक गॉड ऑफ लव, कैपिटल GREEK, ग्रीक गॉड ऑफ लव। सो नेरिसा एक प्रार्थना क्यूपिड को करती है, बसानियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी, बसानियो लॉर्ड लव इफ इट इज योर विल, आई होप इट इज बसानियो हु हैज कम एंड एग्जिट। इसके साथ एक्ट टू यहीं पर समाप्त होता है, अब हम एक्ट थ्री शुरू करेंगे। एक्ट थ्री नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा। थैंक यू।